नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक और सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये जो घटना है बहुत ही खतरनाक है और वो काफ़ी भयानक है। और दोस्तों जो कमज़ोर दिल वाले हैं ये कहानी ना सुने, साथ ही बच्चे ये कहानी ना देखें। होता क्या है दोस्तों कि कोई 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल हो गए इस बात को। तो 20-25 साल पहले मैंने भी इस बात को सुना था। मैं गया नहीं वहाँ पर मगर मैंने सुना था। तो होता क्या है कि एक बार एक फौजी होता है। तो दोस्तों ये जो गांव है ये गांव पड़ता है पटेड़ गांव पड़ता है बेड़ा पटेड़ा में, और ये मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट ऊना में आता है। तो होता क्या कि एक फौजी होता है, तो उस फौजी की क्या होता है कि वाइफ जो होती है पशु चराने गई होती है और वो गायब हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी दिन तक वहाँ पर उसको लोग ढूंढते हैं तो किसी को उसका कुछ भी पता नहीं लगता है। तो पता नहीं लगता है तो सभी थक हार कर घर में बैठ जाते हैं कि क्या हुआ, बाघ ने खा लिया, किसी ने खा लिया। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो फौजी था, फौजी कहता है कि मैं खुद ढूंढूंगा उसको, क्योंकि वहाँ पर 5-7 किलोमीटर का जंगल है और ऊंची ऊंची पहाड़ी है। तो दोस्तों वो फौजी ढूंढने चला जाता है, और जब वो ढूंढने जाता है तो 3-4 दिन तो वो ढूंढता रहता है उन पहाड़ियों में, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगता था। बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और साथ में चारों तरफ जंगल है। और होता क्या है कि उसको वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ सुनाई देती है तो वो सुनता है आवाज़। तो आवाज़ उसको जो थी वो पहाड़ी के ऊपर सुनाई देती है। तो पहाड़ी के ऊपर वो देखता है तो वहाँ पर जो एक गुफा सी बनी हुई है, और गुफा को ना तो उतरने के लिए रास्ता ना तो चढ़ने के लिए, और जो रास्ता है बड़ा तंग है। तंग क्या है कि वहाँ पर पक्षी कीड़े मकोड़े उतर सकते हैं और कुछ नहीं उतर सकता, इतना तंग रास्ता है कि मक्खी की तरह जो आदमी होगा वो वही उतर सकता है, और वैसे वहाँ से उतरा नहीं जा सकता। तो दोस्तों होता क्या कि वो वहाँ देखता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ उस गुफा में होती है। अब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा कैसे जाए और उसको उतारा कैसे जाए। तो दोस्तों होता क्या कि वहाँ पर एक अघोरी रहता था उस गुफा में। अघोरी तो आपको पता होगा कि अघोरी क्या होते हैं। अघोरी होते हैं कि जो अपना रूप बदल सकते हैं। अगर उसको खाना खाना है तो वो शेर ही बन जाएगा, शेर बन के किसी आदमी का शिकार करके खा जाएगा, और वो अपना रूप बदल लेते हैं। अघोर विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसके द्वारा आदमी राक्षस उसमें राक्षस बन जाता है, और वो राक्षस बन जाता है तो वो अपना रूप बदल आकार बदल लेता है, और फिर वो किसी भी चीज़ को वहाँ पर किसी भी रूप में वो जाएगा। तो कहते थे कि वो जो अघोरी था जब वो उस गुफा के ऊपर जाता था तो क्या कहता था कि वो मक्खी का रूप धारण करके जाता था और उस गुफा के ऊपर चढ़ जाता था, और उसने उस औरत को बांध रखा हुआ था। तो अब क्या होता है, फौजी को तो पता चल जाता है कि अब क्या करें। तो दोस्तों फौजी अब उसकी ताक में बैठ जाता है, बंदूक तो उसके पास थी। और फिर क्या होता है कि फौजी उसका वेट करता है कि जब वो अघोरी अपने रूप में आएगा तभी उसको वो मार सकता था, नहीं तो वो क्या करता था वो लोगों को खा जाता था। तो होता क्या कि एक दिन वो अघोरी जो था अपने रूप में आता है और फौजी उसको गोली से मार देता है, फिर वो अपनी पत्नी को ही बांध से ले आता है। तो दोस्तों ये घटना सच्ची थी, और ये घटना आज से 20-25 साल पहले हुई थी। मैंने भी इसके बारे में सुना था, तो मगर मुझे ये पता नहीं था कि ये गुफा कहाँ है।
तो अभी मैं 5-10 दिन पहले उस रास्ते से गुजर रहा था, तो हमारे पापा जी ने कहा कि जो अघोरी की गुफा है वो यहाँ पर है। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँ, और मैं उस गुफा को भी देखूँगा और उसकी वीडियो भी बनाऊँगा जब मेरे साथ कुछ लोग चलेंगे, क्योंकि अकेले जाना वह खतरे से खाली नहीं। तो दोस्तों, अगर ये जो सच्ची घटना आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।